क्या नाम है आपका? सर मैडम अरफाज है, मुंबई कल्याण से। अरफाज जी मुंबई कल्याण से हैं आप, तो बताइए अभी आप क्या करने वाले हैं? सर अभी ओप्पो F7 का हम लोग EMC चेंज करेंगे। अच्छा, ये एक्चुअली फ़ोन डेड था, इसको आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, आई स्कैन किए, इसकी IC जो है ख़राब है। ख़राब मिली है। डीसी में आपको क्या रीडिंग मिला था? डीसी में सर ये एक बार और बताइए कैसा लग रहा है? पहली बार किया मैंने, पहली एक बार बताइए अपनी भी टीम। तो ये क्या फोन कंप्लीट चालू होगा? सर ये कंप्लीट चालू हो गया। ठीक है, 90% कंज्यूम का जो फोन आ जाए तो उसको आप रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में। 15 मिनट के अंदर आप रिपेयर कर देंगे? यस। ये जब जो भी चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें लाइव हुई हैं या फिर सर ने अपने हाथ से ही कर लिया है? सर स्टूडेंट के फोन लाइव यहाँ पे रिपेयर हुआ है और स्टूडेंट नहीं करा है। स्टूडेंट नहीं करा है पेस्टेड पे काम करने के, तो आपकी ब्लैक पेस्टेड जैसा कि आप देख पा रहे हो ब्लैक पेस्टेड पे आपने इतना CPU निकाल के रखा है, पावर भी निकाल के रखा है, ये सब सारा, तो कोई प्रिंट गया है क्या इसमें से? सर मैं तो पहले ब्लैक पेस्टेड देख के तो भगाई देता था, मतलब ग्रैक को देता ही नहीं था, मतलब मैं बनाता ही नहीं था। मेरे को पता है मुझसे बनना ही नहीं है तो मैं बनाते ट्राई नहीं करता था। अब तो देखो पावर है, छोटी छोटी आईसी में सब क्लीन निकाला हूँ। तो अब ब्लैक पेस्टेड निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी क्या? नहीं नहीं, आपकी टेक्निक पता है, सब पता चल गया। सब एक्सपीरियंस आपका? सर बढ़िया रहा। बढ़िया बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसे भी काम ज्वाइन करना चाहते हैं आपको देख के? बिल्कुल करना चाहिए सर, करना चाहिए। हम तो सर एक खुद दुकानदार का भी जो हम काम भी करें, लेकिन सर कैसा है अपडेट होना बहुत जरूरी है सर, हम अपडेट नहीं हो रहे थे सर हमारे कस्टमर का भी वापस जा रहे थे। तो यहाँ जितने टीचर हैं ऐसा तो नहीं है कि डाउनग्रेड हो अपग्रेड ना हो? सर 6 टीचर का स्टाफ है सर और सब एक से बढ़कर एक सर। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि सर ये बंदा कंप्लीट कर देता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इस इंस्टीट्यूट की यही बात है कि आपको वो नहीं कि आप आएंगे आप लिखेंगे आपने हो गया आप चले गए, तो यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिकल होता है कि मैं बता नहीं सकता आपको। एक एक बच्चे से प्रैक्टिकल होता है, चेक होता है वो, और हर बच्चा चेक करता है तो मुझे देख ले। अगर आप में जुनून नहीं है, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं है तो आप मत आइए यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ आएंगे और काम नहीं सीखेंगे, फिर कल को कोई आपसे पूछेगा कि काम कहाँ सीखा था आपने या क्या काम किया, तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी। सही बात, आप मेरी बात समझें, हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ सर जो हमें पढ़ाते हैं उन सब का नाम ख़राब होएगा, तो आप मत आइए। अगर आप काम सीखने की इच्छा है आपको, अगर आपके अंदर जुनून है तो आप यहाँ आइए, काम सीखेंगे यहाँ से आप। अगर आप काम नहीं सीखे तो उसमें आपकी मिस्टेक है, उनके पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी सुबह 8 बजे से हमें 10-10, 11-11 बजे तक पढ़ा सकता है तो वो चाहता है कि हम पढ़ें। सही बात है। तो ये फोन कितनी जगह घूम के आया? ये फोन लगभग 6-7 जगह घूम के, 6-7 जगह घूम के आया है। यस सर। और यहाँ पे बना? यस सर। और ये लाइव बना कि स्टूडेंट के साथ नहीं है? ऐसे ही नहीं, लाइव बना है सर। और लाइव बनाने में फायदा है कि नहीं? यस सर। है ना? यस सर। तो क्या बोलना चाहेंगे आप क्लास के लिए? क्लास के लिए तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माई लोगो आ चुका है और बैटरी लो है, जिसकी वजह से फ़ोन चालू नहीं हो रहा है, तो अभी हम चालू करके भी कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। तो बताइए कैसा लग रहा है साबिर जी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी डीप नॉलेज। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की, जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ से हैं आप? मैं नागपुर से। नागपुर से, तो एक बात बताइए, आप नागपुर से हैं और इतना दूर आप आए यहाँ पे काम सीखने के लिए एशिया टेलीकॉम, तो जो भी सोच के आप एशिया टेलीकॉम ज्वाइन किए वो चीज़ आपको मिला कि नहीं मिला? बढ़िया मिला सर, बढ़िया मिला। मिला? बढ़िया मिला सर। बढ़िया मिला, सेटिस्फाई हैं आप? आज ये मिट्टी की 4 दिन की जो क्लास हुई है, पहले दिन से लेकर अभी 4 दिन की मैं अगर बात करूँ तो आज किसी भी प्रकार का 4 दिन का कोई कन्फ्यूजन है? नहीं सर, एक्चुअली कैसा है MMC का ना सर, थोड़ा हवा बना के रखा हुआ है, देखा जाए तो अगर समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है उसमें। जो बंदा पहले से फील्ड में काम कर रहा है, मिनिमम एक 2-1 साल का भी अगर उसको एक्सपीरियंस हो तो आराम से MMC का काम कर सकता है। थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हार्डवेयर का भी स्किल होना चाहिए, हार्डवेयर का स्किल इसमें बहुत जबरदस्त, थोड़ा सा जबरदस्त तो आपको प्रैक्टिस भी आएगा।
तो ओवरऑल मैं कहा करूँ कि आज 90% कंज्यूमर का जो क्लास था उसमें आपका कोई फ़ोन था? मेरा फ़ोन है लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, एक्चुअली मेरा नंबर ही नहीं आया अभी तक आपका। हमारे 20-25 फ़ोन है तो सर तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में 7 से 8 मोबाइल तो रिपेयर ही करते हैं 2 घंटे में। तो यहाँ पे सर ने किया या फिर किसी एक्सपीरियंस किया? सर हेल्प कर रहे थे तो मतलब गाइड कर रहे थे, उन्होंने ऐसा बताया, बाकी उसके बाद तो सब लड़कों ने किया। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल एरर टू एरर, पॉइंट टू पॉइंट सब लिख के दिया हुआ है, सब एकदम बढ़िया तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अभी बात करें ब्लड टेस्टेड पे काम करने की, तो आपके ब्लड टेस्टेड जैसा कि आपके पास ब्लड टेस्टेड पे हमने इसका सीक्वेंस बना रखा है, पावर भी बना रखा है सारा, तो कोई प्रिंट गया है क्या इसमें से? सर मतलब पहले ब्लैक पेस्टेड देख के तो भगाया जाता था, मतलब गिरेक को देता ही नहीं था, मतलब मैं बनाता ही नहीं था, मेरे को पता है मुझसे बनना ही नहीं है तो मैं बनाते ही ट्राई नहीं करता था। अब तो देखो पावर है, छोटी छोटी ऐसी भी मैंने सब क्लीन निकाला है। तो अब ब्लैक पेस्टेड निकालने में कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आपकी टेक्निक पता, सब पता चल गया तो क्यों होगा? सर बढ़िया था, बढ़िया। सर एक खुद दुकानदार का अभी तक हम काम नहीं करें, लेकिन सर कैसा है अपडेट होना बहुत जरूरी है सर, हम अपडेट नहीं हो रहे थे सर, हमारे कस्टमर का भी वापस जा रहे थे। यहाँ जितने टीचर हैं ऐसा तो नहीं है कि डाउनग्रेड हो अपग्रेड ना हो? सर 6 टीचर का स्टाफ है सर, और सब 8 एक से बढ़कर 1 सर, आप कंपेयर नहीं कर सकते कि सर ये बंदा EMC का पूरा फाइल रीड राइट और फ्लैश करना अनलॉक करना कैसे फाइल रीड करना पड़ता है EMC को कैसे रीड करना राइट करना और 90% कंज्यूम की बात करें तो हाँ पूरा हुआ है कर लेंगे। हाँ ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी 4 दिन की अगर मैं बात करूँ तो? बहुत बढ़िया हुआ सर। बढ़िया, अगर आपको जो कि कोई ऐसे टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकता है जो चीज़ सोच के आप ऐसे टीम ज्वाइन किया आपको? हम भी तो पहले ऐसे रिव्यू देकर आया था और जैसे हम आया तो अभी ऐसे ही, अभी बस ऐसा ही हो रहा है। जैसे हम भी स्टूडेंट का रिव्यू देकर आया ना तो हमारा रिव्यू देकर कोई भी आ सकता है, उसका स्किल और नॉलेज ज़्यादा लेने के लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा से। जो चीज़ सोच के आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन किए थे वो चीज़ मिला कि नहीं मिला सर? मेरा इम्प्रूव हो रहा है। ब्लैक पेस्टेड पे काम करने के लिए काम कहाँ सीखा आपने? सर मैंने काम यहीं से सीखा, मतलब अभी तो यहीं सीख रहे हैं, बाकी अभी कभी किया ही नहीं। चलिए ठीक है, ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा सर। मयंक विश्वकर्मा सर। कहाँ से हैं आप? देवास से। देवास से आप, एक बार बताइए आपको EMC का क्लास कितना दिन का हुआ? सर 4th दिन है आज। 4th दिन में आपने क्या समझा? पूरा मतलब EMC की हेल्थ ख़राब हो जाती है, उसको कैसे फाइंड करना, उसको रिपेयर करना, सब कुछ आज समझ में आ गया। एक EMC का पूरा इंटरफेस, जो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद पूरा इंटरफेस बता सकते हैं आप? यस सर। कि क्या क्या है, कौन सा इसका CID है, कौन सा इसका RPMD है, कौन सा इसका Boot 1 है, कौन सा Boot 2 है? देख के सर। देख के बता देंगे? यस सर। साइज बता देंगे आप? बिल्कुल सर। तो ओवरऑल मैं अगर सारी चीज़ को छोड़ के अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई 90% कंज्यूम का जो फ़ोन आ जाए तो उसको आप रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में। 15 मिनट के अंदर आप रिपेयर कर देंगे? यस। ये जब जो भी चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें लाइव हुई हैं या फिर सर ने अपने हाथ से ही करा है? सर स्टूडेंट के फ़ोन लाइव यहाँ पर रिपेयर हुआ है और स्टूडेंट नहीं करा है, पूरा स्टूडेंट नहीं करा है। यस सर। फिलहाल नहीं आया हूँ मैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हुआ आपको? तो 3-4 साल में आपने कभी ब्लैक पेस्टेड पे व्हाइट पेस्टेड पे काम किया था आपने? नहीं मैंने कोई काम नहीं। या फिर EMC पे प्रोग्रामिंग लेवल पे काम किया था आपने? नहीं नहीं किया था आपने। तो अभी प्रोग्रामिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो अभी आपका 4 दिन का क्लास हो गया है, तो आज 90% कंज्यूम का कॉन्सेप्ट था आपका, तो 90% कंज्यूम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ बिल्कुल हुआ। हुआ है जी। तो इसमें आपने लाइव फ़ोन रिपेयर करते हुए देखा आपने? हाँ देखा। उसमें से कोई आपका फ़ोन था कि नहीं था? नहीं मेरा कोई फ़ोन नहीं था, लेकिन मेरे पड़ोसी वो था। आपके पड़ोसी का था जी। तो पड़ोसी का फ़ोन किसने रिपेयर किया? पड़ोसी का फ़ोन पड़ोसी ने रिपेयर किया। पड़ोसी का फ़ोन पड़ोसी ने रिपेयर किया, तो आपने उसको समझा? हाँ मैंने उसने कैसे किया है आपके पड़ोसी ने? मैंने समझा, समझ में आया। बिल्कुल अगर आपके पास कोई 90% कंज्यूम से रिलेटेड कोई फ़ोन आ जाए, EMC से डेड फ़ोन आ जाए, कोई सा भी CPU हो, तो उसका सिक्योरिटी फाइल, उसका क्रिटिकल फाइल, उसका नॉर्मल फाइल आप रीड कर पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल रीड कर पाएंगे। किसमें सिक्योरिटी फाइल होती है, किसमें आपका क्रिटिकल फाइल होता है, किसमें क्रिटिकल फाइल नहीं होता है, ये सब पता है आपको? बिल्कुल सर मैं बताना चाहूँगा कि मिलन सर वो देख रहे हैं आप, देखिए तो सर है इतनी अच्छे तरीके से समझाते हैं, मतलब आप ये समझ लें कि आपको लगेगा नहीं कि वो पढ़ा रहे हैं, आपके सीधा दिमाग में जाएगा वो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 35 बच्चे 35 बार समझाया उन्होंने एक एक चीज़ को। जरूरी है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बाकी इंस्टीट्यूट की तरह एक बार पढ़ा के एक बार नहीं 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 कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ इस इंस्टीट्यूट की यही बात है कि आपको वो नहीं कि आप आएंगे आप लिखेंगे और आपने हो गया आप चले गए, मतलब यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिकल होता है कि मैं बता नहीं सकता आपको, एक एक बच्चे से प्रैक्टिकल होता है, चेक होता है वो, और हर बच्चा चेक करता है। कॉपी डेली चेक होता है कि नहीं? बिल्कुल सर डेली चेक होता है। कॉपी चेक करना जरूरी है कि नहीं?
देखिए करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें अभी क्या है कि हमें डर समझ लो या कुछ भी समझ लो कि हम जाके हॉस्टल में लिखते हैं और जितना हम लिखेंगे उतना ही हमारे माइंड में जाएगा। बात करें वसीम जी, जितना मेहनत आप यहाँ कर रहे हैं या आपके साथ सारे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल इतना मेहनत आप कभी घर पर किए थे? जी नहीं। जितना टाइम टेबल से आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे आप यहाँ पे चूरी लेने के जाने के बाद आप हॉस्टल पे आप उसका फेयर करते हैं? अब तक तो टाइम खराब ही किया था, पर अब टाइम कुछ बनेगा। अब टाइम बनेगा, बिल्कुल। अभी आपकी इनकम सोर्स बढ़ने वाली है या फिर घटने वाली है? बढ़ने वाली है। चलिए, ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, और यहाँ के इंस्टीट्यूट के जितने भी सर हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप आएंगे, आपने पैसे दे दिए और आपका टाइम ऐसे ही पास हुआ। वो चाहते हैं कि बच्चे पढ़े, और बच्चे अगर लगन वाला है, पढ़ने वाला है, तो वो पढ़ेगा और सीख के जाएगा। और लगन वाला नहीं हुआ तो फिर कहाँ जाएगा? देखिए, लगन वाला नहीं हुआ तो घर जाएगा, जो पहले करता था वही करेगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। और आप आना ही मत यहाँ पर, आने में आपको कोई फ़ायदा भी नहीं जो मुझे देख ले। अगर आप में जुनून नहीं है, अगर आप में मेहनत करने की क्षमता नहीं है, तो आप मत आइए यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ आएंगे और काम नहीं सीखेंगे। फिर कल को कोई आपसे पूछेगा कि काम कहाँ सीखा था आपने या क्या काम किया, तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी। सही बात है। आप मेरी बात समझिए, हमारे इंस्टीट्यूट की बदनामी होगी। ये हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ सर जो हमें पढ़ाते हैं उन सबका नाम खराब होएगा। तो आप मत आइए, अगर आप काम सीखने की इच्छा है आपको, अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप यहाँ आइए, काम सीखेंगे यहाँ से आप। अगर आप काम नहीं सीखे तो उसमें आपकी मिस्टेक है, उनके पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो आदमी सुबह 8 बजे से हमें 10-10, 11-11 बजे तक पढ़ा सकता है, तो वो चाहता है कि हम पढ़ें। सही बात है। तो और क्या नाम है आपका? सर, मैं अरफाज है, मुंबई कल्याण से। अरफाज जी, मुंबई कल्याण से हैं आप, तो बताइए अभी आप क्या करने वाले हैं? सर, अभी ओप्पो F7 का हम लोग EMC चेंज करेंगे। अच्छा, ये एक्चुअली फ़ोन डेड था, इसको आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, आई स्कैन किए, तो इसकी IC जो है ख़राब है। ख़राब निकली है। डीसी में आपको क्या रेटिंग मिला था? डीसी में सर ये 140 के आसपास। स्टक था या फिर? स्टक था। तो आपने इसमें आई स्कैन में क्या पाया? आई स्कैन में देखा सर कि ये जो IC है ये इसके आइनिक्स की है, और इसकी हेल्थ ये डिटेक्ट नहीं हो रही है UFS में। UFS जो है आपका, ये IC डिटेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अभी हम लोग IC चेंज करेंगे। IC चेंज करके कौन से ब्रांड की आप IC लगाने वाले हैं? सर, अभी जो IC हम लगाएंगे, एक मिनट सर, हम लोग सैमसंग की आई सी लगाने वाले हैं आप। हाँ सर। तो MediaTek में आप कौन सी IC लगा सकते हैं, आपको सर ने बताया है? हाँ सर। और बात करें RPMB की, तो RPMB के बारे में सर ने बताया क्या? सर बता दी सब कुछ। तो बूट करेगा कि नहीं बूट करेगा, ये सब सारी चीज़ें आपको सर ने बताई है? बताया सर। अब ये आप जो IC चेंज करने जा रहे हैं, इसमें बूट कन्फिग्रेशन क्या होगा, आप डंप के साथ करेंगे या फिर विदाउट डंप करने वाले हैं, ये सब सर आप बताइए ज़रा। सर, हम दोनों कर सकते हैं इसके अंदर। दोनों कर सकते हैं, कैसे आप क्या करने जा रहे हैं? सर, हम बिना डंप के करेंगे। बिना डंप का करने वाले हैं आप? तो चलिए ठीक है, आप अपना प्रोसेस चालू करिए। तो आपकी IC जरा दिखा दीजिए जो लगाने वाले हैं आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इनका 254 EMMC है, और ये सैमसंग ब्रांड की EMMC है, और इनका इस जो इसमें IC ख़राब निकली है, SK Hynix की लगी हुई थी, देख पा रहे ये SK Hynix 2 सैमसंग। ठीक है, प्रोसेस चालू करिए आप अपना। कर दिया
डंप राइट कर दिए हैं, ओप्पो कस्टम भी राइट कर दिए, ओप्पो कस्टम फाइल भी डाल दिए। हाँ सर, ये जो आपको एरर मिल रहा था थोड़ी देर पहले वीडियो में, तो वो क्यों आ रहा था सर? वो UEFI बॉक्स का प्रॉब्लम था आपका, ये क्लॉक का इशू था। क्लॉक भी सही कर दिया हमने। आपने इसका एडाप्टर भी चेंज किया था? हाँ सर। चलिए ठीक है। सर अभी आपने इसको डंप भी डाल दिया है और ओप्पो कस्टम फाइल भी डाल दिया है, तो अभी आप इसको क्या करने वाले हैं? सर अभी आईसी हम लोग बोर्ड पे लगाएंगे। बोर्ड में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे स्टूडेंट हमारा लाइव काम कर रहे हैं कि किस तरीके से MMC चेंज कर रहे हैं क्या है इसमें। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में क्या है कि पूरा फुल प्रोसेस है, ओप्पो की MMC कैसे चेंज करेंगे ये पूरा प्रोसेस है। इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है ये वीडियो देख के आप ये सारा ये जो मॉडल है ये मॉडल आप MMC चेंज कर पाएंगे, लेकिन बाकी मॉडलों की क्या, और बाकी मॉडलों को जानने के लिए आपको हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें और अपना सीट बुक करें। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस जो भी है उनसे पूछेंगे क्या करने वाले हैं। तो क्या मुझे बताइए इसमें क्या फ्लैश करना पड़ता है क्या आईसी में? हाँ सर अभी करेंगे, फ्लैश करेंगे। आईसी को डायरेक्ट करना पड़ता है कैसा कुछ है क्या? सर डायरेक्ट नहीं, इसको हम लोग बोर्ड पे लगा लिए। बोर्ड पे लगा लिए हम लोग, नॉर्मल जैसे फ्लैश करते वैसे फ्लैश करेंगे। ओके चलो। तो सर आप इसमें क्या कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पे जो टेस्ट पॉइंट से इसको करवा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो, देख सकते हैं। क्योंकि एक आदमी इसमें डाटा केबल और टेस्ट पॉइंट एक साथ ट्यूब नहीं दबा सकता, इसीलिए आप इनका थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। और हमने देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोर्ट बना लिए हैं, हम HDMI कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ सर लैपटॉप में ही, तो यहाँ देख पा रहे होंगे इन्होंने ऑफ बाईपास कर दिया इन्होंने और सिंपली इसको प्लस मारा। यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया, आईसी लगाने के बाद अगर हमारा प्लस कर रहा है।
क्लैप्स क्लैप्स इसके लिए, एक जोरदार क्लैप एक बार और बताइए इनके लिए। कैसा लग रहा है बताइए सर? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार किया मैंने, पहली बार किया है। आपने एक बात बताइए, आपने इसमें डम का यूज किया है, आप इसको विदाउट डम भी कर सकते हैं। विदाउट डम सीखना तो कहाँ आना पड़ेगा सर? वो ई साइड वाले घूम जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये बहुत प्राइवेट है, नहीं चाहते किसको शो ऑफ कर दें, तो अगर विदाउट डम सीखना तो आप ई साइड कॉम ज्वाइन करिए। हाँ सर जरूर। तो ये क्या फोन कंप्लीट चालू होगा? सर ये कंप्लीट चालू हो गया। ठीक है कंप्लीट चालू करके दिखाइए। अभी आप इसमें सिक्योरिटी रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सर। तो यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि हमारी पूरी सिस्टम फाइल राइट हुई है इसमें, थोड़ा सा टाइम लगा चालू होने में। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ये कंप्लीट फोन चालू हो गया है। कैसा लग रहा है भाई? और बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया एकदम बेस्ट। चलो बाकी फोनों का कर पाएंगे नहीं? मीडियाटेक सीपीयू का कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आपको मीडियाटेक का ही सीपीयू का चेंजिंग सिखाया गया है। अभी आपका कल क्वालकॉम की चेंजिंग की क्लास है, तो कोशिश करेंगे कल अगर क्वालकॉम की जो चेंजिंग होगी तो हम कल भी किसी किसी स्टूडेंट से जरूर करवाएंगे। क्वालकॉम का तो मेरे इधर दिखाई, ये जो मीडियाटेक का प्रोसेस है, मीडियाटेक की प्रोसेस से और भी ज्यादा आसान क्वालकॉम। अच्छा जिस प्रोसेस में आपको बताया गया, जिस ट्रिक से आपको बताया गया, किसी भी हिसाब से आप लोग को हार्ड लगाया क्या? चलिए थैंक यू वेरी मच। मिल रही है सर मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? तो देखिए यहाँ पे जो है हमारे स्टूडेंट हमारा लाइव काम कर रहे हैं कि किस तरीके से MMC चेंज कर रहे हैं क्या है इसमें। इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो में क्या है कि पूरा फुल प्रोसेस है, ओप्पो की MMC कैसे चेंज करेंगे ये पूरा प्रोसेस है। इस वीडियो को पूरा देखिए, हो सकता है ये वीडियो देख के आप ये सारा ये जो मॉडल है ये मॉडल आप MMC चेंज कर पाएंगे, लेकिन बाकी मॉडलों की क्या, और बाकी मॉडलों को जानने के लिए आपको हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। तो नीचे दी गई नंबर पर जरूर कॉल करें और अपना सीट बुक करें। सर मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?